फाइनली दोस्तों इतने दिनों के इंतजार के बाद सीएम मोहन यादव 1.29 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में लाडली बहना योजना की नवी किस्त की राशि करीब 11:30 बजे के बाद ट्रांसफर कर दी गई है। इसके अलावा भी दोस्तों सीएम मोहन यादव ने एक और योजना की राशि ट्रांसफर की है। जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सरकारी योजनाओं की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आरडी कॉलेज मंडला समारोह से 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1576 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजा है और इस प्रकार देख सकते हैं कि कई सारे महिलाओं को बैंक की तरफ से SMS भी आने शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन महिलाओं के बैंक खाते में लाडली बहना योजना की नवी किस्त की राशि आ चुकी है, जो कि देख सकते हैं कि इनको नवी किस्त की राशि 1250 रूपए भेजी गई है। यानी कि इस बार भी नवी किस्त की राशि 1250 रूपए ही ट्रांसफर की गई है। कोई बात नहीं, हो सकते हैं कि अगली बार आप लोगों को 1500 रूपए ट्रांसफर कर दे। और यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं कि 10/2/2024। आपको पता होगा कि लाडली बहना योजना की कोई भी किस्त 10 तारीख को ही भेजी जाती है। और यहाँ पर टाइम देख सकते हैं कि इनको बैंक की तरफ से SMS 11:42 में रिसीव हुआ है। तो दोस्तों सीएम मोहन यादव ने आरडी कॉलेज मंडला के समारोह में सुबह 11:30 बजे सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी लाडली बहनों के बैंक खाते में नवी किस्त की राशि 1250 रूपए ट्रांसफर कर दिए हैं। दोस्तों आप लोग हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप लोगों को नवी किस्त की राशि मिली है या फिर नहीं मिली है। दोस्तों अगर आपको नवी किस्त की बैंक की तरफ से कोई भी SMS नहीं आया है तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। कभी कभी बैंक की तरफ से भी SMS नहीं आ पाता है, तो अपना पैसा चेक करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपका नजदीकी बैंक ब्रांच होगा आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाएंगे, जो भी आपका बैंक खाता होगा सिंपली बैंक में जाकर के आप अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करेंगे, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपको लाडली बहना योजना की नवी किस्त की राशि मिली है या फिर नहीं मिली है। या फिर अगर आप मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप एक क्लिक में घर बैठे अपने मोबाइल से ही पता लगा सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में लाडली बहना योजना की पैसे आई है या फिर नहीं आई है। इसके अलावा आज सीएम मोहन यादव ने 56 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 340 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की गई है। साथ ही 134 करोड़ की राशि विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण के लिए किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत समस्त वृद्ध कल्याणकारी पतिव्रता एवं दिव्यांग हितग्राही को 600 रूपए प्रति हितग्राही प्रति माह पेंशन राशि दी जाती है। तो दोस्तों आज सीएम मोहन यादव ने 1.29 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में नवी किस्त की राशि भेजी है। साथ ही 56 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को भी पैसा ट्रांसफर किया गया है। इनके अलावा 134 करोड़ की राशि भूमि पूजन के लिए भी दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही आप लोगों को जानकारी देना चाहता था। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कर दे, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।